द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स ट्रेडिशनली बीइंग द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप्स, ये टाटा कंपनी में ट्रेडिशन है, जो भी टाटा ग्रुप्स का चेयरमैन बनेगा वही टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का ही चेयरमैन बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। जैसे अगर रतन टाटा चेयरमैन है टाटा ग्रुप्स के, तो वो भी वो टाटा सन्स के भी होंगे। अब प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखर, और सीएफओ कौन है? इरिच रोशिद कपाड़िया। जो रतन टाटा जी थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था चेयरमैन की पोस्ट से, अभी वो एनजीओस वगैरह चला रहे हैं। आपको पता है ये जो टाटा सन्स टाटा का पूरा ग्रुप है, ये एनजीओ वगैरह में दान पुण्य में बहुत ज्यादा आ गया है। इंडिया से सबसे ज्यादा एनजीओ है ना टाटा के है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो रतन टाटा है, जैसे इन्होंने तो ट्रेंड शुरू किया था बहुत सारे मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने का। रतन टाटा जी ने क्या ट्रेंड चलाया था इंडिया में? कंपनीज एक्वायर करने का। आपको पता है टिटली कंपनी के बारे में? पता है टिटली ग्रीन टी? हाँ, टिटली ग्रीन टी ना कनाडा की है कंपनी। सबसे पहले रतन टाटा जी ने उसको एक्वायर किया था, और वो फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई थी। मतलब टाटा फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई थी किसी कैनेडियन कंपनी को एक्वायर करने वाली, ठीक है। उसके बाद पीछे देखो, इसके बहुत सारे पब्लिक लिस्टेड कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कम्युनिकेशन एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में भी टाटा है, नेलको, टाटा क्लास एच, टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा इंटरएक्टिव सिस्टम्स, टाटा टेली सर्विसेज, टेलनेट एक्सेट्रा। उसके बाद इनके होटल्स की भी चेन है। टाटा का कौन सा होटल बताया था मैंने सबसे पहले? वहाँ पे केस भी होता था 2611। होटल्स की इनकी पूरी चेन है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर और रिटेल में भी इनका काम है। जैसे कासा डिकोर, लैंडमार्क, टाटा एजी, टाटा कॉफी, टाटा स्काई जिसकी है शाहरुख खान देता है, डिफेंस एंड एयरोस्पेस। एयरोस्पेस क्या होते हैं? जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना, एयरप्लेन्स, उनके प्रोडक्ट, उनके जो पार्ट्स होते हैं ना अलग अलग, वो भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब कुछ नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। रिसेंटली अभी उनको गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है इस चीज का, और एयरोस्पेस और एयरप्लेन्स में आने के लिए। ये जैसे टाटा मोटर्स भी इनके है। आपको पता है जैगुआर और लैंड रोवर की बात है? यस, मैं इसके 20% शेयर्स खरीद रहा हूं टाटा वाले। इसकी स्टोरी बता आपको इसके पीछे? यस हां, बता दो। पहले क्या था, जैसे ना टाटा जो टाटा थे, मतलब इनकी जो कंपनी थी वो ना ये ट्रक वगैरह इन्वेंट मतलब मैन्युफैक्चर कर रही थी। पर टाटा जो रतन टाटा ना, उनका ना बहुत ड्रीम था कि वो एक अच्छी सी ऐसी कार करें, मतलब जो जिसमें सारी फैसिलिटीज वगैरह हो और बहुत कम प्राइस के भी हो। तो इन्होंने टाटा इंडिका नाम की एक कार मैन्युफैक्चर की थी। पर ना जैसे ये एनालिस्ट वगैरह नहीं थे, जैसे हमने पीछे बात की थी, क्रिटिक्स होते हैं, वो पूरे मतलब अच्छे से देखते हैं किसी प्रोडक्ट को, फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं और अच्छे पॉइंट्स देते हैं। किसी क्रिटिक ने ना उनकी कार को इतनी बुरी तरह क्रिटिसाइज किया कि उनका जो मतलब मार्केट वैल्यू थी उस कार की इतनी गिर गई कि उनको वो बंद ही करनी पड़ी कंपनी। तो फिर मतलब बिल्कुल लॉस में चली गई, तो उनको वो सेल करनी पड़ी कंपनी। सेल करने के लिए ना उनके फोर्ड है ना, जिनकी ये थी जैगुआर, उनकी फोर्ड की चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई, 3 घंटे मीटिंग चली। उसमें जो फोर्ड के चेयरमैन थे ना, उन्होंने ना टाटा जी को, रतन टाटा को ना दो बातें बोली जो उनसे बहुत ज्यादा हर्ट कर गई। पहली बात तो बोली कि जब तुम्हें कार जारी आती नहीं थी तो तुमने बनाई क्यों, इतने पैसे क्यों लगा दिए? और दूसरी बात ये बोली कि जैसे उन्होंने बोला कि हम ना एहसान कर रहे हैं तुम पे, तुम्हारी ये जो कंपनी खरीदी है। तो वो उस टाइम उनको वो बहुत हर्ट थी, सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगी उनको वो बात, तो उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी और वापस इंडिया आ गए। तो उसके बाद उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा सालों बाद एक फिर से एक मतलब कार इवेंट की, और वो कार पहले तो मतलब उसकी सेल वैल्यू अच्छी नहीं थी, पर बाद में वो इंडिया की बहुत अच्छी कंपनी बन गई। उसके बाद क्या हुआ, इन फोर्ड वालों ने ना जैगुआर और लैंड रोवर लॉन्च की थी मार्केट में। इनकी जैगुआर और लैंड रोवर इतनी बुरी तरह बिकी ना मार्केट में कि उनको भी वो बेचनी पड़ी। अब उन्होंने ना जैसे टेंडर निकाला कि कोई मतलब अगर कोई खरीदना चाहता हो, तो रतन टाटा जी ने उनको ऑफर दिया कि हम खरीद लेंगे। उसके बाद फिर से उनकी मीटिंग हुई, उसमें जो फोर्ड वाले फोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने फिर से एक बात बोली कि आप हम पे एहसान कर रहे हो हमारी कंपनी लेके। तो ये बात थी, सो ये टिक कर लो लैंड रोवर जैगुआर को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया है रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एसोसिएट बिल्डिंग कंपनी भी बनाते हैं टाटा पावर, टाटा पावर सोलर,
उसके बाद ये है बिजनेस इन न्यूज, इसमें इनके रैंक्स दिए हुए हैं, ये रैंक्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट पॉइंट दिया हुआ है मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ऑल 28 लिस्टेड टाटा ग्रुप्स कंपनी रोज टू 10.88 ट्रिलियन एज ऑफ फेब 2019। इसका मतलब क्या है कि टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड तो लिस्टेड कंपनी नहीं है, पर इसके अंदर जो कंपनीज है ना उसमें से कुछ मेजर कंपनीज लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जैसे 100 कंपनीज है उसमें से 28 लिस्टेड कंपनीज की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है मतलब इन कंपनीज के जितने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन इनटू उनका करंट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। वो कितना बढ़ गया मतलब फेब 2019 के अकॉर्डिंग 10.88 ट्रिलियन। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? बिलियन से ज्यादा। बिलियन में कितने होते हैं? कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी एंड इट डज नॉट हैव एनी शेयर ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इट इज ओन प्राइवेटली बाय द टाटा ग्रुप। इसमें ये बताया कि टाटा जो सन्स प्राइवेट लिमिटेड है इसके जो स्टॉक्स है वो प्राइवेट लिस्टेड नहीं है कंपनीज में, बट इसके अंदर कंपनीज है कुछ मेजर कंपनीज है वो लिस्टेड है स्टॉक पर। इसको एक मिनट बता के रीड करो जल्दी से। इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी
चिप्स मैन्युफैक्चर करती हूँ और मुंबई में मैं वो बेच रही हूँ, तो बहुत अच्छी चल रही है कंपनी। मुझे लगा अच्छी चल रही है तो क्यों ना मैं गुजरात में और न्यू दिल्ली में भी बेच लूँ। ठीक है, एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम एक ही बिजनेस को, बिजनेस हमारा चेंज नहीं हो रहा पर उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, बड़े लेवल पे लेके जा रहे हैं, उसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, जैसे मेरी एबीसी फूड लिमिटेड एक कंपनी है, मैं फूड मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो मैं ये बिजनेस तो मैं चालू रखूंगी, ये तो करूंगी, उसके साथ साथ मैं क्लोथ्स का भी बिजनेस खोल लेती हूँ, शूज का भी, स्टील वगैरह का, ये सब बिजनेस मैं एक साथ करती हूँ ना, तो उसको कहते हैं बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने अपना निकाला हुआ है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इन्होंने कैसे एंटर किया था मार्केट में, इन्फोटेक के साथ, इसके साथ इन्फोटेक के साथ। इसके बाद दिया हुआ है कि आईटीसी को वर्ल्ड्स बेस्ट बिग कंपनीज, एशियाज फैब 50 मोस्ट एडमायर्ड कंपनी, मोस्ट रेप्यूटेबल कंपनी बाय फोर्ब्स, इन सब ने रेटिंग दी है। अब इसमें आप सोचोगे क्या आपका एबसी आ रहा है, बट ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट है, मतलब इसमें ना तो आपको ईयर दिया हुआ है ना आपको कोई डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसमें एमसीक्यू आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, बट इसको अंडरलाइन करो, आपको पता होना चाहिए कि इनको ये रेटिंग दी हुई है। उसके बाद नीलसन रिपोर्ट होती है जो कॉन्ग्लोमेरेट कंपनीज को रिपोर्ट करके बताती है, रेटिंग देती है, उन्होंने भी इनको फास्ट मतलब बहुत अच्छे वो दिए थे रेट्स। उसके बाद इसमें और कुछ टिक करने वाला नहीं है, इसका विजन विजन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार रीड कर लेना। इसकी पोर्टफोलियो ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में आ रहा हूँ, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, सिगरेट और सिगार्स, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये क्या करती थी, जैसे इसके नाम से रिप्रेजेंट करता है, ये सिगरेट्स और सिगार्स बेचती थी, पर आपको पता है जैसे गवर्नमेंट क्या होती है इन सब चीजों को ज्यादा मोटिवेट नहीं करती, मतलब इनके लिए लोन भी बहुत ज्यादा रेट्स पे देती है, और इनकी मतलब अगर कोई कंपनी ये दारू वगैरह बेच रही है सिगरेट वगैरह, इसकी हमारी मतलब हाँ एडवर्टीजमेंट भी अलाउड नहीं है, नीचे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरीज टू हेल्थ वगैरह, और जो हम जैसे आम बंदे हैं कंज्यूमर की नजरों में उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, तो आईटी को अपनी रेपुटेशन ना गुड बनानी है, अच्छी बनानी थी और एक ट्रस्टवर्थी इमेज बनानी थी, उसके लिए हमने क्या किया FMCG प्रोडक्ट्स में अपना पैर रखा और बहुत सारे सेक्टर्स में एंटर किया। फूड्स में जैसे आशीर्वाद आटा ये आईटीसी का है, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो चिप्स, यिप्पी मैगी, किचन ऑफ इंडिया, बी नेचुरल जो जूस है, मिंटो लिखा हुआ, कैंडी मैन, गम ऑन, ये सब आईटीसी के प्रोडक्ट्स है। उसके बाद पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट है, फियामा डीविल्स, वीवेल, इंगेज का परफ्यूम आता है जो वो भी आईटीसी का है, सुपीरिया के साथ। उसके बाद एजुकेशनल स्टेशनरी में क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट है, वो भी आईटीसी का है। लाइफ स्टाइल रिटेलिंग में विल्स लाइफ स्टाइल और जॉन प्लेयर्स, ये भी आईटीसी के है। अगरबत्ती भी निकाली हुई इन्होंने, मंगल दीप अगरबत्ती, होटल्स की भी इनकी पूरी चेन है। पेपर और पैकेजिंग में भी ये है, एग्री प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अभी इन्होंने पैर रखा। तो इसमें एमसीक्यू में क्या आ सकता है, एक तो क्लासमेट और पेपर क्राफ्ट और विल्स लाइफ स्टाइल और जॉन प्लेयर्स, ये पूछ सकते हैं कि ये किस कंपनी के प्रोडक्ट्स है, इसको टिक कर दो। बिजनेस इन न्यूज दी हुई है, इसमें ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लास्ट वाला पॉइंट है ना, आईटीसी इन अक्टूबर 2019 लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट प्राइस एट ₹4.3 लाख पर किलोग्राम अंडर इट्स पेबल ब्रांड। इसका मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आईटीसी एक ऐसी कंपनी जिसने 2019 में दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट लॉन्च की, एक किलो चॉकलेट सिर्फ एक किलो चॉकलेट कितने की है, 4.3 लाख। आप सोच सकते हो कोई खरीद सकता है, फिर भी मतलब मुझे नहीं लगता कोई खरीदेगा 4.3 लाख सिर्फ एक किलो की चॉकलेट, किसी ने ही है क्या, मतलब जैसे इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव से एक किलो की चॉकलेट मिलती है 4.3 लाख की, कितनी एक्सपेंसिव है। ये खाली के लिए ना, यस मैम, इसको फटाफट रीड करो।
अब सिप्ला निकालो, उसके नीचे लिखा हुआ है केयरिंग फॉर लाइफ। केयरिंग फॉर लाइफ सिप्ला का स्लोगन है, बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इसके बाद दिया इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर 1935, हेडक्वार्टर दिया इसका मुंबई इंडिया। चेयरमैन कौन है, वाई के हेमर। प्रेजेंट हेड है एमडी एंड सीईओ कौन है, उमंग वोहरा। और सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, केदार उपाध्याय। ठीक है, ये लर्न करने एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। चेयरमैन वगैरह के नाम सीएफओ के थोड़े कम होते हैं, मतलब लर्न कर लेना, पर चेयरमैन के नाम बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सो सिप्ला लिमिटेड इज अ लीडिंग मेडिसिन मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। तो ये जो ये कंपनी है मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है। द कंपनी हैज अबाउट 1500 फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या होती है, जो कंपनी मेडिसिन और ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है। इसकी हिस्ट्री की तरफ देखो तो सिप्ला की फुल फॉर्म दी हुई है, द केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद इन 1935। ये ख्वाजा अब्दुल हमीद, ये वाई के हमीद है ना, इनके फादर थे। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिप्ला की फुल फॉर्म क्या है, केमिकल इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद इन 1935। उसके बाद यह है कि पहले इसका नाम सिप्ला लिमिटेड था 1994 में, बाद में इसका नाम मतलब पहले सिप्ला था, फिर सिप्ला लिमिटेड कर दिया गया 1994 में। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इसकी फुल फॉर्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, बस ये बताया कि ये मेडिसिन ये मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर सिप्ला का स्लोगन बहुत इम्पोर्टेंट है, केयरिंग फॉर लाइफ। हाँ, केयरिंग फॉर लाइफ। विजन और मिशन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट ऑफर्स। ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन से ऑफर करता है, ये एक तो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन। ये कौन सी मेडिसिन होती है, जो बंदे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में नहीं होते, दुनियादारी से दुखी हो चुके हैं, उनके लिए ड्रग बनाई हुई है इन्होंने। जतिन तेरे काम किया है, जो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं ना उनको ठीक करने के लिए एक ड्रग बनाई हुई है। और जेनरिक मेडिसिन पता है किसी को क्या होती है, कौन सी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन बुढ़ा के लिए। उनकी कॉपी होती है और ये मतलब सस्ते रेट्स में बेची जाती है। आपको पता है पैरासिटामोल
उसके बाद बिजनेस एंड न्यूज कर लो। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट यह, सिप्ला लिमिटेड हैज एक्वायर्ड इन अक्टूबर 2019 नोबल एंड पेटेंट एंटी इंफेक्टिव प्रोडक्ट इरोस फ्रॉम वीनस रेमेडीज लिमिटेड। इसका मतलब क्या, 2019 में सिप्ला ने क्या किया, एक दवाई थी इरोस जो कि एक्वायर कर ली, दवाई का नाम है ये जो एक्वायर कर ली वीआरएल से, और ये मेडिसिन क्या करती थी, एक मतलब डिसीज थी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डिसीज। डिसीज का क्या काम होता है, जैसे हम लोग बीमार हो जाते हैं, कोई बैड बैक्टीरिया हमारे अंदर चला गया हम उससे बीमार हो गए, जैसे कोई फीवर हो गया या जुकाम वगैरह हो गया। मेडिसिन क्या काम करती है, हमारे अंदर जो बैक्टीरिया ना मेडिसिन में इतनी पावर होती है उस बैक्टीरिया को खत्म करके हमें ठीक कर देती है, हमारी जो डिसीज होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये एक ऐसी बीमारी है जो मतलब दवाई से ज्यादा पैदा हो, जो इसका बैक्टीरिया होता है दवाई से ज्यादा पावरफुल होता है। तो अगर हम कोई नॉर्मल दवाई खाएंगे वो इसका बैक्टीरिया इतना पावरफुल है दवाई का तो उसे नहीं होने देगा। तो इस डिसीज के लिए एक दवाई बनी थी इलरोस, जिसका पेटेंट सिप्ला ने एक्वायर कर लिया था 2019 में वीआरएल से। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट गया था 82-year-old चेयरमैन ऑफ फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला यूसुफ हेमर, जो की चेयरमैन ऑफ सिप्ला के, हैज बीन मेटेड एन ऑनरेरी फेलो ऑफ द प्रेस्टिजियस बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ मैरी ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एंडेड साइंटिस्ट इन 2019 लिस्ट ऑफ न्यू फेलो ऑफ द यूके रियल यूके रॉयल सोसाइटी। यूके की रॉयल सोसाइटी के बारे में किसी को ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी, इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, प्रिंसेस डियाना, मेगन मार्कल, प्रिंस हैरी, केट मिडलटन, उनका नाम सुना में ना एक रॉयल परिवार है राज घराना जिसको बोलते हैं, वो ही मतलब उस पर रूल करता है ब्रिटेन पे यूके पे। उनकी वो जो रॉयल सोसाइटी थी उन्होंने इनके चेयरमैन को मतलब ऑनर किया था, प्राइज दिया था 2019 में बेस्ट साइंटिस्ट के अवार्ड। ठीक है, बस इसमें एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें भी बता दो। सिप्ला की फुल फॉर्म केमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज बाय ख्वाजा अब्दुल हमीद, ये भी आ सकता है कि ये इसको किसने फाउंड किया था, किसने किया था, उसके बाद जो इसमें ज्यादा स्लोगन इसका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये सिप्ला लिमिटेड ने जो इसरोस को एक्वायर किया था ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और जो इसके चेयरमैन को प्राइज किया गया था वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है,